जय श्री अमरनाथ जी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्रवार को शाम के 5 बजे के आसपास अमरनाथ धाम गुफा के समीप बादल फटने से जो तबाही मची है, उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। जो लोग इस वक्त अमरनाथ धाम की यात्रा पर थे, उनके परिजन फ़ोन करके उनका हाल पूछ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल बादल फटने के बाद से ही आपदा प्रबंधन की तमाम एजेंसियां, साथ में CRPF के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। जो लोग फंसे हुए थे, उन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा एयरलिफ्ट किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और टूर गाइड के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपदा प्रबंधन की टीम है, कल शाम से ही लगी हुई है और 2 दिन के लिए फ़िलहाल यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। 2 दिन के लिए फ़िलहाल यात्रा नहीं होगी अमरनाथ धाम के लिए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि 5 बजे के समीप अचानक से जोर की आवाज़ हुई, साथ में बहुत सारा पानी पहाड़ पे से नीचे की तरफ आने लगा। इसे देखकर कई हज़ार यात्री अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ पर दूसरी तरफ ऊपर चढ़े हुए हैं, जिन्हें की रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्य शुरू हो चुका है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 10 लोग थे कल तक जिनकी की मृत्यु हो चुकी थी, जिनके शव निकाले जा चुके थे, लेकिन फिलहाल 15 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और 40 लोग लापता हैं, वो बह चुके हैं, अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चला है। साथ ही दोस्तों, अगस्त का माह तो बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला होता है, ऐसे में यात्रा करना हो सकता है थोड़ा सा खतरनाक साबित हो, क्योंकि यात्रा भी जुलाई और अगस्त के महीने में ही चलती है। ये जो यात्रा फिलहाल चल रही है, ये 11 अगस्त तक जारी रहेगी, यानी कि आप 11 अगस्त तक यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल तो 2 दिन के लिए यात्रा रोक दी गई है। जैसा भी माहौल होगा, जो भी स्थिति होगी, आपको पल पल की खबर हम देते रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ और सूचनाएँ प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नई खबर के साथ, नई महत्वपूर्ण सूचना के साथ। तब तक के लिए जय श्री अमरनाथ बाबा की। कृपया कमेंट में लिखना न भूलें, जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन न प्यासे को पानी।